स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी टीचर ज्योति। बेटा, आज हम हिंदी ग्रामर से लेसन 16 कुछ अन्य शब्द को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पिछले अध्यायों में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के बारे में जाना। शब्द और भी होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि। इनके बारे में विस्तार से तो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल इनका परिचय दे रहे हैं ताकि अगली कक्षाओं में ये शब्द आपको नए व अनसुने न लगे। अब देखिए, पहला दिया है इसमें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब जैसे वो जा रहा है, जाना क्या है आपका? क्रिया है, पर जल्दी जल्दी जाना क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो जा रहा है। पर कैसे जा रहा है? जल्दी जल्दी जा रहा है। रोजाना, खूब। वो हंस रहा है, पर क्या हंस रहा है? बहुत खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा, जल्दी जल्दी आपका क्रिया विशेषण है। वह रोजाना कितना खाता है? रोजाना आपका क्रिया विशेषण है। चुटकुला सुनकर कक्षा खूब हंसी, तो खूब क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। अब देखिए, दूसरा है संबंध बोधक। वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द ज़्यादातर के या से शुरू होता है, जैसे के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के नीचे, के खिलाफ, से पहले, के सामने आदि। अब देखिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मोना के घर के सामने एक उद्यान है, तो संबंध बता रहा है ना कि मोना के घर, मोना का घर से क्या है? संबंध है। रवीना से पहले विद्यालय कोई नहीं आता, रवीना से पहले, से पहले क्या है? इसके संबंध को बता रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यों आदि को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, की आदि, ठीक है। रमन और सरल अच्छे मित्र हैं, तो और क्या कर रहा है? रमन और सरल को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और तो ये क्या है? समुच्चय बोधक है। वह बीमार था इसलिए अच्छा नहीं खेला, तो इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक है। चौथा है विस्मयादि बोधक। हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे वाह, आह, छी छी आदि। उदाहरण देखेंगे हम। वाह, कितना मनभावन दृश्य है, ठीक है। यहाँ क्या है? हर्ष हो रहा है कि वाह, बहुत सुंदर है, यहाँ का दृश्य कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मन को भा रहा है। मनभावन मीन्स क्या? मन को अच्छा लग रहा है, मन को भा रहा है। अरे, वह यहाँ भी आ गया, यहाँ क्या है? आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ इसमें क्या है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है। छी छी, इस दुकान पर कितनी गंदगी है, ये क्या है? घृणा, मतलब घृणा हो रही है, यहाँ पे क्या है? गंदगी है। तो यहाँ छी छी क्या कर रहा है? घृणा प्रकट कर रहा है। विशेष विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद संबोधन इस चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है विस्मयादि बोधक में। पांचवा है आपका निपात। ही, भी, तक, तो, मात्र आदि शब्द वाक्य में आकर उसके अर्थ को बल देते हैं, इन्हीं शब्दों को निपात कहते हैं। भी, ही, भी, तक, तो, मात्र, ये क्या है आपके? निपात शब्द हैं। देखिए, सामान्य वाक्य, निपात के प्रयोग वाला वाक्य। अब देखिए, सामान्य वाक्य में है तुम आज यह काम कर लेना, निपात में क्या हो जाएगा? तुम आज ही यह कार्य कर लेना, ही लग गया है। दूसरा है आपको उसको यहाँ आना चाहिए था, तो क्या है? उसको भी यहाँ आना चाहिए था, भी क्या है? निपात है आपका। उसने बात नहीं की, उसने बात तक नहीं की, तक क्या है आपका? निपात है, ठीक है बेटा। ये लेसन आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।